बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, जो एसडीएम पोस्ट होती है और जो डीएम पोस्ट है, तो इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एसडीएम जो है, मतलब जो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो इसमें पावर में क्या डिफरेंस होता है, या फिर जो एक आईएएस ऑफिसर है क्या वो सीधा डीएम ही बनता है या अलग अलग फेजेस के थ्रू जाता है, और आईएएस ऑफिसर सिर्फ क्या कलेक्टर ही बन सकता है, क्योंकि उनको ये होता है कि सिर्फ आईएएस मतलब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर, बाकी कोई पोजीशन पता नहीं होती है। तो कौन कौन सी पोजीशंस पर जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, इस पर थोड़ा आप बताइए। आईएएस ऑफिसर्स एक्चुअली बहुत सारे पोजीशन पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम प्रोबेशनर्स होते हैं वहाँ पे असिस्टेंट कलेक्टर एंड असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट बोल के जाते हैं। सो हमें इंडिपेंडेंट चार्जेस मिलते हैं, जैसे बीडीओ, तहसीलदार, इवन एसडीएम का मिल सकता है। सो आफ्टर दैट हमारा फर्स्ट पोस्टिंग जो होता है वो एसडीएम के हिसाब से होता है, सब डिविजनल, सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो कहीं कहीं बहुत इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सब कलेक्टर बोलते हैं या फिर सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी बोलते हैं एसडीओ। तो फिर इसके पावर्स जो होते हैं वो सब डिवीजन के लिए होते हैं या फिर सब डिस्ट्रिक्ट के जो सब डिवीजन होता है उसके लिए होते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर एग्जाम्पल 3, 4 या 5 सब डिवीजन हो सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पे तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही सब डिवीजन हो सकता है, डिपेंड्स। तो जो डीएम होता है उसके सब एसडीएम के बाद जो बनते हैं वो अगेन डिपेंड्स ऑन द स्टेट। कहीं कहीं पे सीईओ होते हैं जिला परिषद के, कहीं कहीं पे एडीएम्स बनते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, फिर जाके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनते हैं। टाइम लगता है अराउंड 6 to 10 years, डिपेंड्स जो स्टेट का साइज, अगर बड़ा स्टेट होगा या फिर बड़े डिस्ट्रिक्ट होंगे तो ये सब टाइम लगेगा। अदरवाइज अगर नॉर्थ ईस्ट वगैरह होता है या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, तो फिर नॉर्थ ईस्ट में मुझे लगता है 4-5 साल में भी एक आईएएस ऑफिसर डीएम बन सकते हैं। सो डिफरेंस जो है, और डीएम के बाद फिर हम लोग स्टेट के सेक्रेटरिएट में जाते हैं इन जनरल। सो जो मिनिस्ट्रीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री स्टेट की, फिर स्टेट की फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री होगी, तो हम वहाँ पे हमारा काम स्टार्ट करते हैं, अंडर सेक्रेटरीज से लेके फिर एडिशनल सेक्रेटरीज, और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है, उसके पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, तो फिर बाद में स्टेट का जो हाईएस्ट होता है वो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी। ऐसे फिर सेंट्रल डेप्यूटेशन होते हैं, तो वहाँ पे जब जा सकते हैं, बहुत सारे पीएसयूज हैं या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है, हम लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी सेम होता है, अंडर सेक्रेटरी से लेके फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फिर जो सेंटर में जो सबसे हाईएस्ट होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, वो हाईएस्ट का जो मोस्ट, जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है। तो ये सब चीजें हैं जो डिफरेंस आपने पूछा। सो एसडीएम एंड डीएम, इसमें डिफरेंस, जो डिस्ट्रिक्ट के लिए डीएम जैसे है वैसे सब डिवीजन के लिए छोटे स्केल पे सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है। तो बात यह है कि पावर्स में बहुत डिफरेंस तो मैं नहीं कहूंगा, हालांकि आईपीसी सीआरपीसी में जो पावर्स है जो मैजिस्ट्रेट के होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सब डिवीजन में सब डिवीजन एसडीएम का काम है और डिस्ट्रिक्ट में डीएम का काम है, पर डीएम का जो रोल है वो बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली डीएम अराउंड 150 कमिटीज के चेयरमैन होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी जो चीजें होती है वो इनडायरेक्टली डीएम देखते हैं। तो सब डिवीजन में उतना नहीं होता है, बट अगर डीएम डिसाइड करे, अगर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो डिसाइड करे, तो वो उनका काम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास दे सकते हैं। सो ऐसे ये बहुत सारा डिफरेंस तो नहीं है, बट आई वुड से कि एसडीएम का जो स्कोप है, जो ज्यूरिसडिक्शन है वो छोटा होता है। और जो स्टेट से बनते हैं, जैसे स्टेट की अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई एमपीएससी दे रहा है, उससे अगर कोई डिप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट हासिल कर रहा है और एक आईएएस ऑफिसर है, अब उसे भी फर्स्ट पोस्टिंग अगर डिप्यूटी कलेक्टर की मिलती है, तो इन दोनों के इसमें क्या डिफरेंस होता है, पावर्स में बोलिए या फिर ओहदे में बोलिए, क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन से जो आते हैं तो वो डिप्टी मैजिस्ट्रेट एंड डिप्टी कलेक्टर होते हैं, डीएमडीसी। और जो हम लोग होते हैं, हमें ऐसा कुछ डीएमडीसी का पोजीशन नहीं मिलता है,
हम लोग डायरेक्टली एसडीएम बनेंगे, फिर एडीएम बनेंगे, फिर डीएम बनेंगे। जो डीएमडीसीज होते हैं स्टेट के, वो सबसे पहले बीडीओज या तहसीलदार बनते हैं, उसके बाद फिर वो एसडीओ बनेंगे, उसके बाद वो जो डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे डीएमडीसी का जो क्या बोलते हैं, डीएमडीसी के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मिड डे मील का एक डीएमडीसी देखेगा कंट्रोल, फिर फॉर एग्जांपल सर्व शिक्षा अभियान का एक डीएमडीसी देखेगा, पीडीएस का एक डीएमडीसी देखेगा, फिर उसके बाद ऐसे ही सब कुछ होता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में, मुझे लगता है एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बंगाल की बात करें तो 15 to 18 ऐसे डीएमडीसी होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा उसके बाद वो लोग एडीएम बनेंगे। उनका एक्चुअली जो होता है वो पूरा हायरार्की बहुत अलग होता है हमारे इससे। तो एक्चुअली उनका जो काम है वो बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम गोज इन ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज। हमारा जो होता है तो फॉर फर्स्ट में आई वुड से 1/3 ऑफ द टाइम हम लोग ग्राउंड पे है, फील्ड पोस्टिंग पे है। उसके बाद जो होता है हम लोग फिर स्टेट के सेक्रेटरियट पे पॉलिसी मेकिंग पे है। सो जो स्टेट सर्विस से जो आते हैं उनका मोस्ट ऑफ द टाइम फील्ड पोस्टिंग पे जाता है, हमारा टाइम फील्ड पोस्टिंग प्लस पॉलिसी मेकिंग दोनों में जाता है। अच्छा, मतलब आपका ज्यादा वाइडर स्कोप है, उनका एक थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड स्कोप होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जब भी इस तरह गाइडेंस लगेगा आपको बिल्कुल बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच।